एक बुढ़िया की कहानी यदि याद कर ली, कभी माँ बाप का अपमान नहीं करोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक है। यदि आपने इस कहानी को शुरू से अंत तक श्रवण कर लिया तो आपके आंखों से आंसू नहीं रुक पाएंगे, और यदि आपने इस कहानी को अपने जीवन में उतार लिया तो आप अपने से बड़ों का अर्थात अपने माता पिता का कभी अनादर नहीं करोगे, कभी भी उनका अपमान नहीं करोगे। तो आइए मित्रों, अब अधिक समय बर्बाद न करते हुए सीधे कहानी पर ध्यान देते हैं। बस आपसे निवेदन है कि इसी तरीका से ये कहानी पूरी अवश्य सुने और हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। प्रिय दर्शकों, आइए अब इस कहानी पर गौर करते हैं। मित्रों, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति और दो बेटे थे जो कुछ समय पहले एक दुर्घटना में इस दुनिया से अलविदा हो चुके थे, यानी दुनिया से जा चुके थे। कहने का मतलब है कि बुढ़िया जो थी ये बिल्कुल अकेली थी, इसका कोई नहीं था इस संसार में, केवल अकेली थी। हाँ, इसका एक भतीजा था। दोस्तों, उस बुढ़िया की जिंदगी बहुत ही दुख भरी थी, क्योंकि उसको कोई सहारा देने वाला नहीं था और उसके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं रही थी कि वो स्वयं भोजन बना लेती या अपना कोई भी काम कर सकती थी, क्योंकि वो बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। लेकिन उसके पास दौलत बहुत अधिक थी, जो उसके पति उसके लिए दौलत बहुत अधिक छोड़ करके चले गए थे। पैसा की कोई कमी नहीं थी, कमी अगर यदि थी तो उसके शरीर में शक्ति नहीं थी। दोस्तों, इधर उस बुढ़िया का एक भतीजा था और उस भतीजे की शादी भी हो चुकी थी। भतीजे ने दौलत के लालच में अपनी पत्नी से सलाह मिलाई कि चलो बुढ़िया को अपने घर पे ले आते हैं और उसकी कुछ ना कुछ सेवा करते रहेंगे, हो सकता है उसकी सारी दौलत हमको मिल जाए। दोस्तों, उस भतीजे की पत्नी तैयार हो जाती है। फिर भतीजा आता है और बुढ़िया से कहता है, माँ चलिए हम आपकी सेवा करेंगे। दोस्तों, वह बुढ़िया अपने भतीजे के साथ में हंसी खुशी भतीजे के घर पे चली आई। इधर क्या होता है, उसके जो भतीजे की बहू थी वो उसकी सेवा करने लगी, लेकिन सेवा करने की बजाय वो उसका घोर अपमान कर रही थी, घोर ताने उसको दे रही थी। समय से खाना नहीं देती थी, समय से पानी भी नहीं देती थी। बुढ़िया को अधिक भूख लगती थी तो उसे समय से खाना नहीं मिलता था, और उस भतीजे की पत्नी जो भी सब लोगों के खाने से बच जाता था वही आकर के बुढ़िया को दे देती थी, और खाना देने के बाद में हजारों ताने मार दिया करती थी। बंधुओं, क्या थी उस बुढ़िया की जिंदगी। बुढ़िया के कभी कभी आंखों से आंसू भी आ जाते और फिर सोचने लगती, अगर जीवन में सुख ही हमारे लिखा होता तो हमारे पति और हमारे बेटे हमें छोड़ करके इस दुनिया से नहीं चले जाते। प्रिय बंधुओं, बुढ़िया इसी तरीका से अपने भतीजे और भतीजे के बहू के ताने सहती गई और अपनी जिंदगी को उसके घर में काटती गई। दोस्तों, उसके भतीजे के दो बेटे थे और एक बेटी थी। बेटे क्या करते थे, वो भी उस बुढ़िया के साथ में छेड़खानी करते रहते थे। कभी कभी उसके ऊपर पानी फेंक दिया करते थे, कभी कभी उसके शरीर को नोचने लगते थे, बुढ़िया उन्हें डांटने लगती थी। दोस्तों, बेकदरी उस घर में उस बुढ़िया की उसके भतीजे और भतीजे की पत्नी और उसके बेटे कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, उसके भतीजे की एक लड़की थी, वो बुढ़िया को बहुत चाहती थी। वो बुढ़िया से कुछ भी नहीं कहती थी और कभी कभी अपना खाना खुद नहीं खाती थी और उस बूढ़ी माँ को दे जाती थी। दोस्तों, इसी तरीका से कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन क्या होता है कि उस बुढ़िया के भतीजे की लड़के की शादी हो रही थी। बड़े बड़े सुंदर पकवान बनाने के लिए हलवाई लोग आए हुए थे, भोजन का कार्यक्रम रखा हुआ था,
हलवाई लोग बड़ी बड़ी अच्छी पूड़ियां सेक रहे थे और भोजन बन रहा था। उस घर में बहुत सारे रिश्तेदार भी आए हुए थे। दोस्तों, इधर पूड़ियों की खुशबू अंदर कमरे में बैठी हुई बुढ़िया के पास में जब पहुंचती है तो उसके दिल को छू जाती है और उसे भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी। बुढ़िया सोचने लगी, पूड़ियों की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, लेकिन हमको ये खाने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बचा खुचा भोजन हमको ये बहू देती है और फिर भी हमें हजारों ताने सुना देती है, तो हमें ये पूड़ियां कैसे खिलाएगी। दोस्तों, बहुत देर तक वो बुढ़िया विचार करती रही, लेकिन उन पूड़ियों की खुशबू उस बुढ़िया से जब सहन नहीं हुई तो क्या करती है कि वो उठ करके धीरे से हलवाई के पास में पहुंचती है। विचार करती है, चलो हलवाई से दो चार पूड़ियां मांग लाएंगे, वो खा लेंगे, लेकिन हमारी ये बहू हमें खाने को पूड़ियां नहीं देंगे। जब हलवाई के पास में बुढ़िया पहुंच गई और वहीं पर खड़ी हो गई, देखने लगी कहीं ऐसा ना हो हमारी बहू ना आ जाए, अगर उसने पूरी मांगते हुए देख लिया तो आफत खड़ी हो जाएगी। बंधुओं, बुढ़िया वहां पर खड़ी हुई थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हलवाई से दो चार पूड़ियां मांग ले। दोस्तों, इधर क्या देखा है कि उस बुढ़िया के भतीजे की बहू वहां आई, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी उस कमरे में जाती है तो कभी उस कमरे से निकल करके आती है। हलवाई लोगों से कहने लगती है कि तुम इतनी देर कर रहे हो, हमारे रिश्तेदार भूखे हैं, जल्दी से जल्दी पूड़ियां तैयार करो। लेकिन बुढ़िया वहां पर खड़ी हुई थी, बार बार चक्कर लगाते हुए उसके भतीजे की बहू ने उस बुढ़िया को देख लिया, और जब बुढ़िया को देखा तो वो बहू भाग करके पहुंची और हाथ पकड़ करके खींचती हुई अंदर के लिए ले गई और कहने लगी, पागल बुढ़िया, तेरे पेट में इतनी आग लगी हुई है, तुझे इतनी भूख परेशान कर रही है जो तुझसे चैन से बैठा नहीं जाता। अभी रिश्तेदार जो आए हैं वो भूखे हैं, उनके लिए ये भोजन नहीं मिल पाया और तू तब तक यहां पर मांगने के लिए खड़ी हो गई। दोबारा अगर मैंने तुझे देख लिया तो समझ लेना कि तेरा हाल वो करूंगी जो शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा। दोस्तों, बुढ़िया तो अंदर वहीं अपने स्थान पर पहुंच जाती है और बहू पुनः अपने कार्य में लग जाती है। इधर बुढ़िया सोचने लगी, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अपनी बहू को नाराज कर दिया, हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए था, अगर मैं न जाती तो हमारी बहू नाराज नहीं होती। बुढ़िया पछताने लगी। इधर क्या होता है, जब पूड़ियां तैयार हो जाती हैं, सारे रिश्तेदार भोजन करने लगते हैं, बुढ़िया विचार करने लगी, अब तो रिश्तेदार खा ही चुके होंगे, चलो हमको तो ये लेकर के पूड़ियां नहीं आएगी, हम खुद ही चलते हैं और देखते हैं कि कितने लोग खा चुके हैं या नहीं खा चुके हैं। दोस्तों, इधर बुढ़िया जब अपने कमरे से निकल करके जहां सब लोग भोजन कर रहे थे वहां पर पहुंची है, क्या देखा कि सब लोग खाना खा रहे हैं। कुछ लोगों ने बुढ़िया को वहां पर देख लिया तो चिल्लाने लगे, अरे इस बुढ़िया को हटाओ, ये बुढ़िया कहां पर आ गई है, ये खाना भी सही तरीका से नहीं खाने देगी, कितनी गंदी बुढ़िया है। दोस्तों, इधर वहां पर जो भतीजा था वो देख रहा था, उसने बुढ़िया को देख लिया तो वो एकदम से भागा और भाग करके बुढ़िया को घसीटता हुआ, गाली देता हुआ, पीटता हुआ अंदर कमरे की ओर खींचता हुआ ले गया और जाकर के कमरे में पटक दिया और हजारों गालियां दे डाली। अरे बुढ़िया, तूने मेरा अपमान करवा दिया, तुझे थोड़ी देर बैठा नहीं जा रहा था, तू बीच में आकर के हमारी महफिल में टपक पड़ी, दोबारा अगर मैंने तुझे अपने उस महफिल की ओर देख लिया जहां सब लोग भोजन कर रहे हैं तो तुझे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। और इतने शब्द कहने के बाद में वो भतीजा पुनः आ जाता है और रिश्तेदारों को भोजन कराने लगता है। इधर बुढ़िया सोचने लगी, ये भी हमसे अपराध हो गया, गलती हो गई, हमारा भतीजा नाराज हो गया, क्या करें, ये पेट तो बहुत बेईमान है, भूख लगती है, चैन नहीं पड़ता है, इसलिए मैं यहां से उठ करके चली गई, लेकिन मुझसे गलती हो गई, हमारा भतीजा हमसे नाराज हो गया। दोस्तों, उस भतीजे की लड़की जो थी, जो बुढ़िया को बहुत चाहती थी, वो देख रही थी जब उसके पिता बुढ़िया को अंदर खींचते हुए ले गए थे, तब उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो डर की वजह से वहां पर अपने पिताजी से कुछ कह नहीं पाई। इधर क्या होता है कि बुढ़िया के चोट भी लग चुकी थी, वो अपने घाव को देख रही थी, आंखों से आंसू निकल आए और सोच रही थी कि हे परमात्मा, अब ये हमारे घाव कैसे ठीक होंगे,
मेरे भतीजे और मेरी भतीजे की बहू हमसे नाराज हो गए हैं, वैसे तो हमको कुछ ना कुछ दे दिया करते थे, लेकिन आज हमें ये लगता है कि आज हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। बुढ़िया के आंखों में आंसू थे, अपने घाव को इधर उधर देख रही थी और जो खून निकल रहा था उसको भी पोंछ रही थी। दोस्तों, इधर सारे रिश्तेदार भोजन करते हैं और विवाह का सारा रस्म सारा कार्यक्रम संपन्न होता है। रात्रि हो जाती है, बुढ़िया खाने के लिए इंतजार करती रही, लेकिन वहां बुढ़िया के पास कोई भी खाने के लिए कोई पूड़ियां लेकर के नहीं पहुंचा। दोस्तों, कुछ रिश्तेदार अपने घर के लिए चले जाते हैं और कुछ वहीं रह जाते हैं। इधर जब रात्रि में सब लोग सो गए तो जो उस भतीजे की लड़की थी उसके लिए चैन नहीं पड़ रहा था और उसने क्या किया कि जो उसे अपने हिस्से का भोजन मिला हुआ था वो अपनी पूड़ियां लेकर के पहुंची बुढ़िया के पास में और क्या देखा है कि बुढ़िया खून को पोंछ रही है जो उसके हाथ पैरों से निकल रहा था। दोस्तों, जब लड़की ने देखा कि हमारी बूढ़ी माँ की ये हालत हो गई तो खड़ी खड़ी दरवाजे पर रोने लगी, सिसकने लगी और हाथ में थाली में पूड़ियां भी थी वो पकड़े हुए थी। इधर जब बुढ़िया ने आहट सुनी कि कोई आया हुआ है तो आवाज लगाई, कौन है वहां पर, अरे अंदर आओ, कौन है वहां पर। दोस्तों, उसके भतीजे की लड़की सिसकती हुई पहुंची है बुढ़िया के पास में और कहने लगी, बूढ़ी माँ मैं आई हूँ तुम्हारे लिए खाने के लिए ये पूड़ियां लेकर के आई। दोस्तों, वो पूड़ियां बुढ़िया के सामने रखी, बुढ़िया वो थी पूड़ियों को खाने लगी, लेकिन उसमें ज्यादा पूड़ियां नहीं थी, केवल चार पूड़ियां थी। वो चार पूड़ियां खा ली। अब उस बुढ़िया को बहुत अधिक भूख लगने लगी, तब उस बच्ची से बोली, बेटी अगर और पूड़ियां हो तो और भी ले आओ। तब वह बच्ची कहने लगी, बूढ़ी माँ छुप करके डर करके मैं अपने हिस्से की पूड़ियां आपको खाने के लिए लाई हूँ और तो अब नहीं मिलने वाली है। दोस्तों, जब ये शब्द उस बच्ची के सुने तो बुढ़िया कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन एक बात बताओ, जहां पर लोग खाना खा रहे थे वहां पर मुझे लेकर के चलोगी। जवाब दिया बूढ़ी माँ, क्यों नहीं। वो बच्ची बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ करके वहीं ले जाती है जहां सब लोगों ने खाना खाया था। दोस्तों, तब वे बूढ़ी माँ कहने लगी, जिन लोगों ने खाना खाया था उन्होंने अपनी पत्तलें किधर फेंकी हैं। वो बच्ची वहीं लेकर के गई जहां सब लोगों ने भोजन खा करके अपनी थालियों को फेंका हुआ था। उसमें क्या देखा है बुढ़िया ने कि कुछ थालियों में जिन लोगों ने भोजन छोड़ दिया था, जिन लोगों ने सब्जियों को छोड़ दिया था, जिन लोगों ने कुछ पूड़ियां छोड़ रखी थी, उन्हीं पूड़ियों को उन्हीं सब्जियों को वो बुढ़िया जूठी पत्तलों से जूठे बर्तनों से खाने लगी है। और वो लड़की जो उसकी भतीजे की बेटी थी वो वहीं पर खड़ी थी, ये देख करके वो फपक फपक करके रो रही थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। और बुढ़िया जो थी वही जूठन रिश्तेदारों की खा रही थी क्योंकि भूख लगी हुई थी। इधर क्या होता है, उसके भतीजे की बहू जब जग जाती है और उसने देखा कि हमारी बेटी कहाँ है, तब वे उठ करके आंगन की ओर बढ़ी है और उसने देखा कि हमारी बेटी उधर अंधेरे में खड़ी हुई है, रो रही है। फिर वह और आगे बढ़ी, फिर उसने क्या देखा कि वही बूढ़ी औरत जो उसकी बूढ़ी माँ थी वो पत्तलों से जूठन को खा रही है। और दोस्तों, जब उसके भतीजे की बहू ने देखा तो उसके होश उड़ गए, सोचने लगी, ये क्या हुआ, ये हमसे कैसा अपराध बन गया। बताइए, जिसकी दौलत पर हम आज राज करते हैं, जिसकी दौलत पर हम आज ऐसो आराम कर रहे हैं, जिसकी दौलत से ही आज हमने इतना भारी कार्यक्रम रखा है, जो हमारे कार्यक्रम की रिश्तेदार वाह वाह कर रहे हैं और वही हमारी आज बूढ़ी माँ सब रिश्तेदारों की जूठन चाट रही है। दोस्तों, उसके भतीजे की बहू के होश उड़ गए, एकदम से भागी, आंखों से आंसू निकलने लगे और जाकर के बुढ़िया को उठा लिया और सीने से लगा लिया और सीने से लगा करके फपक फपक करके रोने लगी और कहने लगी, मेरी माँ हमें माफ कर देना, हमसे अपराध हो गया, हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, ये हमसे पाप हो गया जो मैंने आपके साथ ये सलूक किया, जो हमने आपका अपमान किया, जो हमने आज तक आपको गालियां ही दी, आपकी सेवा नहीं की, हमें माफ कर देना, तुम ये जूठन नहीं खाओगी, चलिए हम आपको भोजन खिलाते हैं।
दोस्तों उसके भतीजे की बहू उस बुढ़िया को पकड़ करके अंदर ले गई, रो रही थी और अपने आंसुओं को पोंछ करके अंदर से थाली में भोजन लगा के लाती है और प्रेम से भोजन कराती है, अपने पति को जगाती है और कहती है कि हमने तुमने घोर अपराध किया, जो आज बूढ़ी माँ जूठी पत्तलों को खा रही थी, ऐसा पाप किया है कि हमें तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आज के बाद इन बूढ़ी माँ की सेवा करना, मैं भी सेवा करूंगी और ऐसा अपराध भूल करके कभी मत करना, क्योंकि जो अपने बड़े बूढ़ों की निंदा करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो उन्हें जीवन में सुख नहीं मिलता है। दोस्तों वह बुढ़िया अपने भतीजे की बहू के ऐसे शब्द सुनकर के वो खुशी खुशी भोजन को खा रही थी और हंस रही थी और आंखों से आंसू भी छलक आए। तब उसी भतीजे की बहू ने आगे बढ़कर के बुढ़िया के आंखों से आंसू पोंछे और कहने लगी, बुढ़िया माँ हमें माफ करना, तुम्हारी चोट लग गई है, आओ मैं तुम्हारी चोट पर मल्लम लगाए देती हूँ। दोस्तों इधर क्या होता है कि वो मल्लम लेकर के आई है और अपने बूढ़ी माँ के चोटों पर मल्लम लगाने लगी। बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न हो गई थी, ऐसा लगता है कि जैसे एक टापी देकर के एक रोते हुए बच्चे को खुश कर दो, उसे बहका दो और वो हंसने लगे, उसी तरीका से वो बुढ़िया भी हंसी जा रही थी। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे बूढ़े माँ बाप एक बच्चे की तरह होते हैं। जिस तरीका से रोते हुए बच्चे को टापी देकर के प्रसन्न किया जा सकता है और उसी तरीका से अपने माँ बाप को भी थोड़ा सा अच्छा खिलाने से उन्हें खुश किया जा सकता है, क्योंकि बड़े बूढ़े जो माँ बाप होते हैं वो बिल्कुल बच्चों जैसे हो जाते हैं, उनकी आदत भी बच्चों जैसी ही हो जाती है। तो यही कहानी हमें सीख देती है कि अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना और उनका कभी अनादर अपमान मत करना। जो लोग अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, अपमान करते हैं, उनका अनादर करते हैं, तो समझ लो वो ऐसे नरक में जाते हैं कि उन्हें उस नरक में घोर दुख ही दुख मिलते हैं। और जो लोग अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं तो समझ लो कि उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी? यदि कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।